हेलो दोस्तों, आज मैं आपको होटल इंडस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ कि होटल इंडस्ट्री में आप कैसे एंटर कर सकते हैं, वहाँ पे कैसे ग्रोथ पा सकते हैं और अपना करियर किस तरीके से अपना अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, होटल इंडस्ट्री में सबसे पहले आपको जाने के लिए आपको 10th और 12th की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि करीबन आपके 50% मार्कशीट होनी चाहिए अराउंड इट। यह स्टार्टिंग हो जाती है 50% से। दोस्तों, आपके 50% आने पर आप एक HM का फॉर्म भरते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे कि आपका सिलेक्शन होता है, आपके मार्कशीट होते हैं, मतलब जो टेस्ट आप दोगे उसके हिसाब से आपको HM इंस्टीट्यूट में डाला जाता है। वो बटे हुए रहते हैं दोस्तों, जैसे कि IHM रहते हैं ये, जैसे कि IHM मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, श्रीनगर, ये अलग अलग IHM में हैं। हमारे जो अपने दिल्ली इंस्टीट्यूट है, यानी कि भारत का जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट है होटल मैनेजमेंट का, वो अलग अलग राज्यों में ऐसे स्टेट लेवल पे बटे हुए हैं। तो आपको किस स्टेट में चाहिए वो आपकी मार्कशीट तय करते हैं कि आपने कितना अच्छा टेस्ट दिया है और आपके कितने अच्छे परसेंटेज है, उसके हिसाब से आपको नियर बाय IHM पे मिल सकता है। दोस्तों, जो मैंने आपको ये नॉलेज दी, ये डिग्री की नॉलेज थी। अगर आप डिप्लोमा करना चाहें तो आपका मिनिमम 50% भी इनफ होते हैं, तो आप वहाँ से डिप्लोमा का फॉर्म भर सकते हो। यानी कि आपको किसी भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए तैयार किया जाता है, जैसे कि किचन के लिए, सर्विस के लिए, फ्रंट ऑफिस के लिए, इवन हाउसकीपिंग के लिए भी। तो ये चार डिपार्टमेंट मेन होते हैं और जो पांचवा होता है वो टूर एंड ट्रैवलिंग का भी होता है। तो ये हमारे होटल्स के जो कोर्सेज होते हैं, ये डिप्लोमा में अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटे जाते हैं, जिसमें कि आपका एक साल का डिप्लोमा होता है, 1.5 साल का डिप्लोमा होता है। दोस्तों, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ये दोनों में कर सकते हो। जो मैंने आपको 5 नॉलेज दी होटल मैनेजमेंट के बारे में, जो डिग्री के बारे में जो मैंने आपको बताया, शेफ, सर्विस डिपार्टमेंट, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग और टूर एंड ट्रैवलिंग का भी, तो अलग अलग डिवाइड में मैं आपको थोड़ी छोटी छोटी एक बेसिक्स नॉलेज देना चाहूँगा। जो आप शेफ डिपार्टमेंट में मारते हो, तो शेफ डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट आ जाते हैं। बेकरी अलग डिपार्टमेंट चला जाता है और कलिनरी फूड अलग डिपार्टमेंट में चला जाता है। कलिनरी फूड में अलग अलग इंडियन, कॉन्टी, चाइनीज, थाई, ये सारे मेन कुजीन, मतलब अलग से फूड कलिनरी आइटम में जाते हैं, और बेकरी आइटम में अलग जाते हैं। डेजर्ट, केक, पेस्ट्रीज, ब्रेड्स, जो भी अपने ब्रेड्स के बेकिंग के आइटम होते हैं वो बेकिंग बेकरी में चले जाते हैं और कलिनरी डिपार्टमेंट में अलग से फूड लेवल में चले जाते हैं। दोस्तों, जो सेकंड नंबर पर आता है वो है सर्विस। सर्विस डिपार्टमेंट में ये होता है कि गेस्ट को फूड सर्व करना होता है। जैसे ही किचन से ऑर्डर निकलता है तो वो गेस्ट के पास लेके जाते हैं और उनको फूड सर्व करते हैं। वो ऑर्डर गेस्ट के थ्रू दिए जाते हैं। तो सर्विस में डिपार्टमेंट मेनली यही होता है कि गेस्ट का ध्यान रखना, उनको प्रॉपर खाना पहुंचाना, प्रॉपर वहां से खाना लेके आना, उनके स्नैक्स का आइटम, फूड आइटम, डिनर आइटम, तो उन सब चीज़ों का ध्यान सर्विस डिपार्टमेंट रखता है। दोस्तों, जो तीसरे नंबर पर है वो है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग में देखा जाता है कि गेस्ट के रूम में छोटे छोटे टूल्स जो होते हैं वो सब कुछ रहे, जैसे शॉप्स वगैरह, कॉलगेट, टूथब्रश वगैरह, ये सब, वो इवन बेडशीट से लेके पिलो तक सारा चीज़ ध्यान हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट रखता है। और दोस्तों, जो चौथे नंबर पर है वो है फ्रंट ऑफिस। जो फ्रंट ऑफिस का काम होता है वो डेस्क पे आगे रहते हैं, वो पूरा डिटेल्स देते हैं गेस्ट को, उनकी पूरी नीड्स का ध्यान रखते हैं, जैसे कि उनकी की, बिल्स वगैरह, और वो कहाँ कितने दिन मतलब होटल्स में रहेंगे, उन सब चीज़ों का ध्यान फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट रखता है। और जो पाँचवें नंबर पर है वो है टूर और ट्रैवलिंग। टूर और ट्रैवलिंग से यही है कि गेस्ट से पूछा जाता है कि आप कहाँ कहाँ घूमना चाहेंगे, और होटल्स ये बोलेगा कि हम आपको किधर आपको घुमाने के लिए साइट्स में ले जा सकते हैं। वो टूर और ट्रैवलिंग का काम होता है। और ये जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई है, आप इन चीज़ों में से होटल्स में किसी चीज़ में भी ग्रोथ पा सकते हैं। ये धीरे धीरे बढ़ता है दोस्तों, एकदम से कोई ऊंचाई पे नहीं जाता। किसी भी डिपार्टमेंट में आज छोटे लेवल से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे आपको ग्रोथ मिलती चली जाएगी। आप अपनी मेहनत पर डिपेंडेंट रहिए, अपनी मेहनत को आगे बढ़ाइए। हर कोई मेहनत से अपने आगे बढ़ता है, हर कोई मेहनत से काम करता है, जैसे कि मैंने भी किया है। तो दोस्तों, मैं आपको अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जहाँ से मैंने स्टार्टिंग करी थी ट्रेनिंग पे, वो था रेडिशन कनॉट प्लेस में। वहाँ से मैंने अप्रेंटिसशिप की थी और मैंने ये सब अपने करियर, मतलब जहाँ तक मैंने अपने करियर में सीखा है कि मन लगाकर काम करो और अपने काम को पहले रखो, फिर बाद में अपने और कामों को रखो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ईमानदारी से मेहनत करिए, सफलता आपके सामने होगी और धीरे धीरे आप तरक्की पे करिए। जैसे कि मैंने भी अपने रेडिशन होटल से ट्रेनिंग की थी, जो कनॉट प्लेस में अप्रेंटिसशिप की, तो फिर मतलब मैंने भी बाकी होटल्स में भी काम किया, जैसे ताज, हयात, तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे कि मेरी शिफ्ट हुआ करती थी रेडिशन में 9 से 6 बजे तक, लेकिन मैं भी रात के 9 बजे तक करता रहता था। मतलब कुछ ना कुछ मैं सीखता जरूर रहता था। और ये मत सोचिए कि आप बड़े होटल में जाएंगे तो बड़ा करेंगे, बड़ा सब कुछ होगा, नहीं। आप छोटे होटल से ट्राई कीजिए, क्योंकि जितना आप छोटे होटल से सीख सकते हैं उतना आप बड़े होटल में नहीं जा सकते। क्योंकि पर्टिकुलर बड़े होटल्स में ये होता है कि जैसे 5-स्टार होटल होते हैं बड़े होटल, तो इनमें पर्टिकुलर ये होता है कि आप एक ही डिपार्टमेंट में रहते हैं। जैसे कि आप ब्रेड सेक्शन को संभालते हैं
तो आप ब्रेड्स का ही काम करेंगे, आपको कन्फेक्शनरी से कुछ ही मतलब बहुत कम होता है कि आप कन्फेक्शनरी में काम कर सकते हैं, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं होता शिफ्ट में कि आप कन्फेक्शनरी डिपार्टमेंट में संभाल सकें और बेकरी डिपार्टमेंट संभाल सकें। कन्फेक्शनरी में आपके डेजर्ट्स आ जाते हैं, चॉकलेट्स आ जाते हैं, केक पेस्ट्री तो है ही है, और बेकिंग में मतलब ब्रेड्स वगैरह आ जाते हैं, हमारी ब्रेडें आ जाती हैं, और अलग तरह के मतलब ऑल आइटम बेकरी के बेकिंग में आ जाते हैं। दोस्तों, जो होटल इंडस्ट्री का करियर है वो कोई छोटा करियर मत समझना। मतलब कि इसमें मार्केटिंग में यानी कि 50% मतलब जितनी भी जॉब है 50% कवर हो जाती है। जैसे कि मार्केट की, अकाउंट्स की और फाइनेंस की जितने भी है ये सब होटल्स में कवर हो जाती है। हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, मतलब ऑल ओवर 50% डिपार्टमेंट इसमें कवर हो जाते हैं। और दोस्तों, इसमें यही नहीं कि करियर कि आपको सिर्फ होटल्स में ही जॉब मिलेगी, आप इसमें कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि शिफ्ट में क्रूज में जा सकते हो, और आपने एयरलाइंस में ये ट्राई मार सकते हो, फॉरेन कंट्री में जाकर ट्राई मार सकते हो। बट दोस्तों, एक्सपीरियंस ये होता है, एक्सपीरियंस मतलब फॉरेन कंट्री जाने के लिए मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर इसको स्टेट लेवल से आप करना चाहोगे तो स्टेट लेवल को करने के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस ही होता है। दोस्तों, जब मैं शेफ लेवल पे था तो मुझे काफ़ी कुछ मज़ा आया था काम करने के लिए। मतलब मैं जब बेकरी में था तो मैं कभी कभी इंडियन में भी चला जाता था काम देखने के लिए, तंदूर में भी काम करता था और कॉन्टी सेक्शन में भी करता था, सैलेड में भी काम करता था। जब मैं रेडिशन में होटल में था तो बगल में हमारी कबाब फैक्ट्री थी, जो रेडिशन का एक सिग्नेचर है कि वहाँ पे कबाब फैक्ट्री होती है, तो बेकरी के जस्ट बगल में कबाब फैक्ट्री भी थी, वहाँ पे भी जाता था, मज़ा आता था दोस्तों। तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस है। तो मुझे काफ़ी मज़ा आया अपने होटल्स लाइफ में। और जहाँ पे मैं ताज हयात में था तो हयात में मुझे लाइव किचन करने का मौका मिलता था। लाइफ में मैं जैसे अपने पैनकेक्स बनाता था, वॉफल्स वगैरह बनाता था, और जो अपने क्रोसो है वो भी हम फ्रेशली बेक करते थे गेस्ट के सामने। तो ये लाइव किचन में कुछ मजा ही कुछ और आया। तो दोस्तों, ये था कुछ मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस, और जहाँ तक मेरे शेफ भी बोलते हैं कि आप एक से कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन आप अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें सीख सकते हैं, आप एक ही बंदे से हर कुछ नहीं सीख सकते। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि अगर आप शेफ हैं तो आप मार्केटिंग वाले से मार्केटिंग भी समझ सकते हैं, और हाउसकीपिंग वाले से थोड़ी सी वहाँ पर नॉलेज ले सकते हैं हाउसकीपिंग की, और फ्रंट ऑफिस से गेस्ट को कैसे डील करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये है कुछ मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको कुछ और नॉलेज चाहिए हो बेकरीज की या फिर किचन्स की या फिर होटल से रिलेटेड, तो आप नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं आपको पूरे कोशिश ये करूँगा कि मैं मोस्टली सब लोगों के आंसर्स देता हूँ कमेंट्स में, तो मैं आपके भी आंसर दे सकूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नए बिजनेस में और एक नए एक्सपीरियंस के साथ में। धन्यवाद।